हर हर महादेव। देखिए मेघालय से एक क्षत्रिय है, मेहरकोच कश्यप गोत्री है। इन्होंने क्षत्रियों से संबंधित बहुत अच्छा प्रश्न किया है जो कि वर्तमान में बड़ा प्रासंगिक है। कई लोग ऐसा प्रश्न करते रहते हैं। देखिए इन्होंने प्रश्न पूछा है, गुरुजी पहले युग में शिकार किस कारण से करते थे, जैसे भगवान श्री रामचंद्र जी, राजा दशरथ, परीक्षित आदि का शास्त्रों में जो है आख्यान है, तो ये लोग किस कारण से शिकार करते थे, कृपया मार्गदर्शन करें। देखिए पहली बात तो ये है मिहिर जी कि ये शिकार शब्द जो है वो हमारा नहीं है, ना हिंदी का ना संस्कृत का है। हमारे यहाँ शब्द है मृगया, आखेट, ये शब्द है। तो खैर आजकल जो है शिकार से भी लोग समझ जाते हैं। तो ये जो मृगया करने के लिए क्षत्रिय लोग पहले जाते थे, एक बात और, केवल राजन्य क्षत्रिय ही नहीं, हर सामान्य क्षत्रिय को भी ये अधिकार अन्य युगों में था, वर्तमान में जो है मना किया गया है। क्यों अधिकार था इसके ऊपर हम देखिए चर्चा करेंगे कई बिंदुओं के रूप में। युद्धाभ्यासार्थ, श्राद्धार्थ है ना, और जनरक्षणार्थ तथा मृग रक्षणार्थ। मृग माने हिंसक जीव, जीव जंगली जीवों को मृग कहते हैं। तो इतने कारण थे। और भी कारण देखिए आप समझें कि ये बड़ा युद्धाभ्यास था, बहुत बड़ा युद्धाभ्यास। देखिए उस चित्र को, उस चित्रण को अपने हृदयंगम करते हुए इस बात को सुनेंगे तो आपको लगेगा कि ये बहुत परम आवश्यक है। यदि कोई क्षत्रिय पहले जो भी युद्ध की शिक्षा लेते थे वो गुरुकुलों में जा करके, और हम ब्राह्मण लोग ही उनको शिक्षा देते थे शस्त्र की, चाहे कौन सा शस्त्र सीखना हो, वो चाहे जो मंत्रपूत हो, अभ्यास होने वाला हो, दिव्य अस्त्र हो, और भी कितने भी अस्त्र हो, वहीं सीखे जाते थे। यदि कोई धनुष बाण चलाना सीख आया और कई वर्षों तक उसने अभ्यास नहीं किया तो उसकी क्या स्थिति होगी, उसका निशाना चूकेगा, वो हिंसा करने में डरेगा। अगर कोई राजा किसी देश पर आक्रमण कर देता है तो उसको जीतने में उसके हाथ पांव कांपेंगे। कई लोग एक्सीडेंट देख लेते, खून देख लेते हैं तो बेहोश हो जाते, ऐसे अभी भी हैं, वही नजर आता है उनको। अब देखिए कि ये बड़ी कुशलता का कार्य है कि भागते हुए मृग को, अब देखिए चित्रण करिए, जब मृगया करने के लिए, शिकार खेलने के लिए कोई क्षत्रिय जाता है तो कहां जाता, वन में, और वन में कोई रास्ता नहीं होता, ऊंचा नीचा झाड़ी वृक्ष, और वहां किसी ऐसी चीज पर नहीं खड़ा हुआ, अश्व पे आरूढ़ है, घोड़े पर, और दोनों हाथों से धनुष बाण चलता है और घोड़े को भी भगाना है मृग के पीछे। और उसमें शास्त्र में नियम है कि वो गर्भिणी मृगी नहीं होना चाहिए, बालक नहीं होना चाहिए, अचेत अवस्था में नहीं होना चाहिए। वो सो रहा है और आपने जाकर के मार दिया, ये अपराध हो गया। वो जो है आपने जो आखेट नहीं किया, आपने जो वध कर दिया, और उसका पातक लगेगा उसको। गर्भिणी का अगर कोई वो जो स्त्री प्रसंग कर रहा है, गर्भाधान कर रहा है, उस अवस्था में नहीं करना है उसको, बतला करके कि मैं तेरा वध करने वाला हूं, और जिनका विधान किया गया है शास्त्रों, पंच पंच नखा भक्ष्या, तो उन्हीं का ऐसे कई दौड़ते हुए, अब मुख में लगाम दबी हुई है, अश्व को पैरों से और मुख से संचालित कर रहा है, और बड़े ही तीव्र गति से भागते हुए उसके पीछे, और अब हाथ हिल रहा है, अश्व हिल रहा है, पर निगाह नहीं हिल रही है और बाण नहीं हिल रहा है, और उसी के ऊपर लक्ष्य वेध करना है। और वो अपने आप को बचाते हुए कभी इधर कभी उधर, कभी झाड़ी आ गई, कोई मैदान थोड़ी है,
उस जंगल में आप धीरे से नहीं निकल सकते कि धीरे से हम जो है थोड़े से ही दो चार खेत दूर निकल जाए, इतना है, एक पालंग दूर नहीं निकल सकते हैं उसमें। और उसमें अश्व पर आरूढ़, और वो अश्व भी बड़े कलायुक्त संपन्न होते थे, और उनके पीछे भागते हुए ऐसे मृग का आखेट करना, तो वो वही कर सकता है जो ये जो युद्ध में प्रवीण हो, जो उस कला में प्रवीण हो। युद्ध में भी यही होता है, कई लोग मरे पड़े हैं और किसी का रथ टूटा पड़ा हुआ है और सामने से जो है वो शत्रु है, तो उसके ऊपर अपने रथ पर चढ़े हुए या अश्व पर आरूढ़ होकर के और वो जा रहा है, उसे कुछ और नहीं दिखाई दे रहा है, कहाँ रथ जा रहा है, कहाँ क्या हो रहा है, वो ही धचक पचक गड्ढों में करते हुए रथ चल रहा है, लेकिन हाथ नहीं हिल रहा, निगाह नहीं हिल रही है। वो अर्जुन को उसकी आंख दिखाई दे रही और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इतने कला प्रवीण जो है वो युद्ध को जीतते थे, तब देश की रक्षा होती थी। यदि हम यदि वे क्षत्रिय वो युद्धाभ्यास ही नहीं करेंगे, भागते हुए जंगल में मृग को मारना, लक्ष्य से चूकना नहीं, और बाण भी सीमित है, कितने बाण ले जाएगा, बाण भी सीमित है, उन्हीं में आखेट करना है, और वो जो कर सकता है वही युद्ध को जीत सकता है। तो वे ही और शत्रु के द्वारा आक्रमण किए गए अपने देश पर और भारी सेनाओं को और दौड़ते हुए भागते हुए और उनका वध कर करके उनको परांमुख कर देते थे, भगा देते थे, छक्के छुड़ा देते थे। और जिनको युद्ध का अभ्यास ही नहीं रहा, कई दिनों तक रोज युद्ध थोड़ी होते थे, रोज तो अभ्यास ही करना पड़ेगा, और ये अभ्यास सर्वोपरि है, इसलिए शास्त्रों ने उनको मृगया करने का और नियमों के तहत मृगया करने का जो अनुमति प्रदान की है, और उनके लिए ऐसा छूट कहा गया है कि भाई वे लोग कर सकते हो, करना चाहिए मृगया। तो एक तो ये जो है युद्ध के अभ्यास के लिए, और दूसरा है अगर हिंसक जीव इतने बढ़ जाते हैं, कभी सिंह बढ़ गए, तेंदुआ बढ़ गए, और ये जो भेड़िए वृक बढ़ गए, तो वो जन समुदाय में आकर के गायों को दबोच लिया, कभी किसी को दबोच लिया, कभी किसी को जो है आकर के आक्रमण कर लिया, तो ऐसे हिंसक जीवों का वध करना। और देखिए जंगल में भी जो गोपाल होते हैं वे गायों को लेकर के चराने के लिए प्रतिदिन जाते हैं, तो उसी में तो वहां हिंसक जीव उनके ऊपर आक्रमण न करे, जब उनको लगता है कि कोई हमें हमारा आखेट कर सकता है तो वो मनुष्यों से डरते हैं ना, वो धनुष बाण धारियों से डरते हैं, वो भागने लगते हैं, उन्हें पता चलता है कि ये हमारा वध करने के लिए आते हैं, हित अन्न हित पशु पक्षी उजाना वो सब जानते हैं, तो इस दृष्टि से वो गायों के ऊपर आक्रमण नहीं करते, अन्यथा वो गायों का वध करने लगते हैं, गोपालों का वध कर देते हैं। तो राजा का कर्तव्य होता है कि वहां जाए और उनका हिंसक जीवों का जो है आखेट करे, मृगया करे। इससे हिंसक जीवों की भी रक्षा ही होती है। अगर हिंसक जीव इतने बढ़ जाएंगे तो जो शाकाहारी जीव है उनको खा जाएंगे, शाकाहारी खत्म हो जाएंगे, फिर हिंसक आपस में खा करके मर जाएंगे, वो सब संतुलन बनाना पड़ता है, ये प्राकृतिक भी है। ये जो कुछ ऐसे जीव बतलाए हैं, ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, एक विद्वान ने बड़े सूक्ष्म रूप से लिखा हुआ है कि ऐसे हिंसक जीव होते हैं जब वृद्ध हो जाते हैं तो वो सिंह ही एक दूसरे को वो शेरनी के चक्कर में उसको मार करके धीरे धीरे बड़ी बर्बरता पूर्वक क्रूरता पूर्वक निर्दयता पूर्वक उनके वध करते हैं। जैसे कुत्ते आपस में मरते ना, इसी तरीके से सिंहों में भी होता, तो उनको ऐसी मृत्यु न झेलनी पड़े इसलिए पहले ही उनका उद्धार कर देते हैं। कुछ जहां मार्ग होता है उनकी झाड़ियों में छुप करके बैठ जाते हैं वृद्ध सिंह वृद्ध व्याघ्र, क्योंकि वे दौड़ करके सिंह का वध नहीं कर सकते, तो इसलिए वे वहां से गुजरने वाले निकलने वाले राहगीरों को दबोच लेते हैं। तो ऐसों को देख करके झाड़ियों में देखते हुए ऐसों का वध करना, तो अब वो वध करके ऐसा नहीं है कि वध करके ला करके खाना है उनको, इसलिए नहीं। यद्यपि अन्य युगों में मृगया करने के बाद किसी यज्ञ विशेष में, यज्ञों में भी होता उनका प्रयोग, या श्राद्ध विशेष में वो उनके लिए छूट थी मांसाद भक्षण की, लेकिन इसमें नहीं है, अन्य वर्तमान कलयुग में नहीं है, तथा
वो उस युगों में भी, उन युगों में भी केवल जिह्वा लवलील्य के कारण, जिह्वा आनंद मतलब अपने सुख के लिए नहीं था, वो किसी न किसी ही नियमानुसार यज्ञ श्राद्ध आदि में जहां प्रयोग करने के लिए विधान था वहां ही कर सकते थे। तो वो उस मांस का क्या करते हैं, राजाओं के यहां भी सिंह पले हैं, हिंसक जीव भी रहते हैं, और वहां कुछ ऐसे शूद्रादि भी राजा के यहां रहते हैं जिनका कार्य अलग है, कुछ सफाई करने वाले है ना, और अश्व इत्यादि का जो है संचालन, उनको शिक्षण प्रशिक्षण देने वाले, हथियारों को पीटने वाले लोहार इत्यादि भी। आजकल भी देखो सेना में केवल जीडी वाले ही नहीं है, और भी कई ट्रेड रहते हैं, जो लोग रहते हैं उसमें कि उनका ये कार्य है, उनका ये कार्य है, तो ये सब रहते ही हैं। तो ये सब पहले भी रहते थे, उस सेना का जो सहयोग करने वाले, हथियारों के माध्यम से, भोजन के माध्यम से, उनके शस्त्रों के माध्यम से, उनकी व्यवस्था के माध्यम से, तो उन लोगों को भी देना होता था। यहां तक लिखा है कि आखेट केवल मृग में ही नहीं, वन में ही नहीं होता, आखेट जल में भी होता है। वो जो मछुआरे लोग मछली पकड़ते हैं तो वो टैक्स के रूप में मछली ही देते थे, इतनी मछली वहां दे, इतनी मछली पकड़े, इतना ही उनका भी बड़ा विधान था, कितना पकड़ना है, किसको पकड़ना है, भाई उनका वो मछुआरों का यही कार्य है। तो वो उसका, उस मांस का भी यही उपयोग होता था। तो वो जो मृग चर्म, व्याघ्र चर्म, चर्मकारों के द्वारा उसको स्वच्छ करा करके, जो पहले गुरुकुल ही थे, पहले कोई ये कॉलेज स्कूल ये सब ये नहीं थे, इनसे ये जब से आए तब से हमारी शिक्षा ही वह भंग हो गई, शिक्षा है ही नहीं, ये तो केवल एक तरीके का ये जो कलात्मक कुछ सिखा रहे हैं, वास्तव में जो विद्या है वो विद्या कहाँ है, विद्या तो हमारे चतुर्दश विद्या है, अष्टादश विद्या है, वही विद्या है, उनके अलावा कोई विद्या थोड़ी है। तो ये उनके अंतर्गत आती नहीं है कोई भी जो शिक्षा, तो ये कहाँ विद्या हुई, ये तो एक तरीके का कोई प्रशिक्षण है, प्रशिक्षण दे रहे हैं किसी को, कलात्मक कुछ सिखा रहे हैं, विद्या नहीं। तो वे जो गुरुकुल विद्यालय होते थे वहां नियमों के अनुसार ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्यों के बालक वहां उपनयन करा करके जो है मृग चर्म ही धारण करते थे, तो वे मृगों का वध नहीं कर सकते हैं, तब ये क्षत्रिय लोग गुरुकुलों में जा करके जो मृग या करके मृगों को लेकर के आए हैं, उनकी जो चर्म थी वो चर्मकारों से शुद्ध करा करके, क्योंकि वो चर्म को शुद्ध करना पड़ता, नहीं तो कड़क हो जाती है, नमक इत्यादि के पानी से धो करके उसको कुछ ऐसा करते हैं जो नरम रहती है, फिर उसको पहनने के लिए उनको देते थे गुरुकुलों में जा करके, तो उसका वहाँ सदुपयोग होता था। उस मृग की प्रत्यंचा बनती थी, चर्म की प्रत्यंचा बनती है जो धनुष के पीछे लगाई जाती है, जिससे वो बाण प्रेशर से निकल करके तीव्र गति से भागता है, तो वो प्रत्यंचा होती है। तो इन सब का उपयोग ये था, कई उपयोग हैं, इन कारणों से युद्ध का कौशल्य उनमें बना रहे, युद्ध का अभ्यास वे करते रहे। युद्धाभ्यास के लिए आज कितना पैसा खर्च किया जाता है आप देखना, बजट जो भारतीय है अभी वर्तमान का, हमारी सरकार का युद्धाभ्यास में कितना जो है वर्ग, कितना पैसा लगता है युद्धाभ्यास में, कई प्रशिक्षण चलते रहते हैं, परीक्षण चलते रहते हैं, अस्त्रों के, महाअस्त्रों के, दिव्यास्त्रों के, जो बम है, जो परमाणु बम, हाइड्रोजन बम, नाइट्रोजन बम, इनके भी ये जो है प्रशिक्षण चलते रहते हैं, इनमें भी जीवों की हिंसा हो जाती है, समुद्र में डाल देते हैं, निर्जन वन में डाल देते हैं, तो ये सब करना पड़ता है। ये जो है रेगिस्तान का, राजस्थान का जो पठार है उधर जा करके रेगिस्तान में वहाँ युद्धाभ्यास चलते हैं, वहाँ जाना मना होता है व्यक्तियों के लिए, पहले से ही सूचना हो जाती है कि युद्धाभ्यास अमुक से अमुक दिन तक चलेगा। तो ये सब पहले भी होता है, और इसी के लिए मृगया करना परम आवश्यक थी, केवल जीवों को हिंसा करके खाने के लिए ये करना, ये तब भी निषेध था, आज भी निषेध है, और ये अधिकार शास्त्र के अनुसार उनको दिया गया था, किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं। आज भी क्षत्रियों के लिए कई अधिकार हैं कि भले ही कानून उनके लिए समर्थन न करे, कानून उनके लिए मना करे, लेकिन ये अधिकार है। हम अगले वीडियो में बतलाएंगे कि क्षत्रियों के लिए किन किन कार्यों को करने का लिए अधिकार शास्त्रों में दिया गया है, जो कि वर्तमान की ये न्याय प्रणाली का है वो भले ही मना करे, लेकिन शास्त्र, हम तो शास्त्रवादी हैं, शास्त्र कहते हैं कि ये कार्य करने का अधर्म देखिए तो आप वहां रोक सकते हैं। किन किन कार्यों में क्षत्रियों को और क्या क्या अधिकार हैं ये क्षत्रिय भाइयों के लिए, हम ये सब शास्त्रों में से खोज करके अवश्य बतलाएंगे। और ये हर किसी को इस पर शंका नहीं करनी चाहिए
कि ये तो शास्त्रीय कार्य है और शास्त्र ने उनको आज्ञा दी है, समर्थन किया है मृगया के लिए। हर हर